शीशम जो है ये हमने पंजाब में लाखों सैपलिंग्स लगाई, लाखों सैपलिंग्स लगाई। मेन जितने भी सिटी सेंटर्स थे उसकी जो आर्टीरियल रोड्स थी कंट्री साइड में, स्टेट हाईवे, स्पेशली स्टेट हाईवे, और जो भी क्रिस क्रॉस नेशनल हाईवेज हैं, और कुछ तो डिवाइडर्स पे भी, जो वाइड मीडियंस थे, बड़े वाले मीडियंस थे, वहाँ पर भी हमने शीशम लगाया। शीशम जो है बहुत ही प्यारा पेड़ है। शीशम की जो लकड़ी है फर्नीचर में काम आती है, इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत अच्छी है। इट इज़ अ वेरी गुड फॉडर। इसको जानवर, बकरी, गाय, भैंस शीशम के जो पत्ते हैं वो खूब शौक से खाते हैं। इट इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस फॉडर फॉर देम। और इसकी लकड़ी तो बेमिसाल है। इट इज़ अ हार्डवुड एंड वेरी वेरी मच सॉट आफ्टर बाय द फर्नीचर इंडस्ट्री। ठीक है, इसको पेपर पल्प इंडस्ट्री भी काफ़ी यूज़ करती है, और जो पल्ले दरवाजे बनते हैं खिड़कियों के वो भी शीशम की लकड़ियों के, हमारी जो सोफ़ा है, हमारे जो बेड्स हैं वो भी शीशम से बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शीशम लगाएं। शीशम इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल ट्री। मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि बाद में शीशम को काटा जाए, लेकिन अगर आपके पास कोई प्राइवेट लैंड है, फार्म हाउस है, और आप उस पर ग्रीनरी करना चाहते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम पॉपुलर एंड यूकलिप्टस, आप प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खूब सारा शीशम लगाइए। शीशम लगा के कुछ पेड़ आप हमेशा एवरग्रीन रहने दे सकते हैं उसमें, और कुछ पेड़ बाद में चलकर आपको अगर कमर्शियल यूज़ के लिए उसको यूज़ करना है तो आपके लिए फंड्स भी हो जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रेट ऑफ रिटर्न भी आएगा, है ना। फिर आप उस पैसे से आप अपनी पूर्ति भी कर सकते हैं और भी ज़्यादा ग्रीन भी कर सकते हैं। सो माय टोटल वोट इज़ फॉर शीशम ट्री। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ट्रीज। गिवमी ट्रीज ने लाखों सैपलिंग्स पंजाब में लगाई हैं। हमने और भी जगह, हमने महाराष्ट्र में बहुत लगाया है इसको, लेकिन पंजाब हैज़ बीन स्पेशली ऑन द रडार फॉर शीशम सैपलिंग्स। सो आप भी लगाइए, शीशम इज़ अ वेरी गुड ट्री।